एक्सरसाइज 8.1 खत्म होने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो 8.2 के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बताना चाहूँगा कि ट्राइंगल के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर क्या होता है कि जैसे हमने एक ट्राइंगल ले लिया, ए बी सी, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी ले लिया हमने, मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, यानी कि साइड ए बी का मिड पॉइंट ले लिया यहाँ पर मैंने डी, और ए सी का मिड पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर ई। तो यहाँ पे लिख देंगे कि डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी, यानी कि डी और ई जो है वो मिड पॉइंट है साइड ए बी और ए सी के। तो इन मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ से। अब ज्वाइन करने के बाद, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद एक रिजल्ट निकल कर आएगा। वो रिजल्ट क्या है, अगर हम इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को नापेंगे, यानी कि एंगल ए डी ई और ए बी सी, और ए बी सी, अगर हम इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को नापेंगे, यानी कि डी और ई मिड पॉइंट है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये वाला और ये वाला एंगल हम नापेंगे, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं, तो यानी कि ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगी। तो इसका मतलब पहला रिजल्ट तो ये था, दूसरा रिजल्ट क्या होगा कि डी ई पैरेलल हो जाएगी बी सी के, यानी कि ये साइड और ये साइड हमारी पैरेलल हो जाएगी। और तीसरी चीज़ क्या होगी कि साइड डी ई जो है वो बी सी के हाफ के इक्वल होगी, यानी कि इस वाली साइड्स को अगर हम आधा करेंगे तो वो इसके बराबर होगी। सपोज दैट हमने ट्राइंगल ले लिया, ये 10 है, ये मिड पॉइंट है इसके, इसको ज्वाइन कर दिया ए बी सी डी ई, ये 10 है, तो यानी कि जो ये साइड, ये वाला एंगल इसके बराबर है, मिड पॉइंट है, तो ये वाला एंगल बराबर होगा, ये पैरेलल भी होगी। अब देखना यहाँ पर ये है कि जो डी ई की वैल्यू है वो कितनी होगी, देखना यहाँ पर ये है कि जो बी सी हमारा 10 दिया गया है तो डी की वैल्यू कितनी होगी। तो डी की हमने यहाँ पे क्या देखा कि इसका हाफ कर देंगे तो इसके बराबर होगा, यानी कि 10 का अगर हाफ हाफ कर देंगे, 2 5 10, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर होगी। तो थर्ड रिजल्ट हमारा क्या होगा कि जो ये वाली साइड होगी डी ई वो इक्वल होगी बी सी के हाफ के। ये तीन रिजल्ट होते हैं यहाँ पर जो हमारे मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर काम आएंगे, और इसी के बेस पर हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2, और 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स, यानी कि ए बी सी डी ए क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड टी ए, यानी कि ए बी बी सी डी सी और ए डी के ये मिड पॉइंट्स हैं पी क्यू आर एस। ए सी इज द डायगनल्स, यानी कि ए सी क्या है इसके अंदर डायगनल्स है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ए सी को डायगनल्स। तो ए सी हमारी क्या हो गई, डायगनल्स हो गई। तो शो दैट कि एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर हाफ ऑफ ए सी, तो हमें प्रूफ करना है कि एस आर और ए सी, यानी कि एस आर और ए सी जो है पैरेलल है, और एस आर जो है हाफ ऑफ ए सी है, और पी क्यू बराबर एस आर, यानी कि पी क्यू बराबर
SR प्रूफ करना है, और प्रूफ करना है कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है SR पैरेलल AC। तो इन ट्राइंगल, देखो SR पैरेलल AC करना है, तो SR और AC केवल इस ट्राइंगल में आ रहे हैं, DAC इस ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं केवल। तो ट्राइंगल DAC, इसके अंदर क्या है कि S एंड R मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, यानी कि S एंड R मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AD एंड DC, यानी कि S और R AD और DC के मिड पॉइंट्स है। तो क्या होगा, SR पैरेलल टू AC, यानी कि जो ये SR है ये पैरेलल होगा AC के, यहाँ पर SR पैरेलल AC के, एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, यानी कि जो SR है AC के आधे, AC को अगर आधा करेंगे तो SR के बराबर होगा। तो यानी कि हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, अब सेकंड पे चलते हैं। PQ बराबर SR, अब हमें प्रूफ करना है कि ये PQ बराबर SR है। तो दोबारा से ट्राइंगल ले लेंगे हम, इन ट्राइंगल DAC S एंड R मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AD एंड DC, तो SR पैरेलल AC एंड SR हाफ ऑफ AC, बिल्कुल सेम चीज ली है क्योंकि ट्राइंगल सेम है। यानी कि हमने एक ट्राइंगल ले लिया DAC और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, BAC, यानी कि एक ट्राइंगल डायगनल के उधर ऊपर वाला ले लिया और एक डायगनल के नीचे वाला ले लेंगे। तो ABC ट्राइंगल के अंदर, नाउ इन ट्राइंगल ABC, यानी कि ABC ट्राइंगल के अंदर P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, P किसका है AB का और Q किसका है BC का, ऑफ साइड्स AB एंड BC। तो यानी कि P एंड Q मिड पॉइंट्स हो गए साइड AB और BC के। तो यहाँ पर क्या होगा कि PQ जो है वो पैरेलल होगा AC के, PQ पैरेलल AC, यानी कि जो ये वाली साइड है ये वाली इसके पैरेलल होएगी, और जो ये साइड है ये हाफ भी होएगी डायगनल AC के, एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो यानी कि इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन टू हो गई। अब यहाँ पे देखना है कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो AC AC इसमें है और AC का हाफ दोनों तरफ है, तो यानी कि ये AC AC और ये हाफ वाला कैंसिल हो जाएगा, जिसके बिहाफ पे हम कहेंगे कि SR पैरेलल है PQ के। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हमें यहाँ पे केवल बराबर चाहिए, तो हम पैरेलल वाले को इग्नोर कर देंगे, SR इज इक्वल टू PQ हो जाएगा, SR इज इक्वल टू PQ हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये इसके बराबर है, तो यानी कि ये राइट हैंड साइड हमारी बराबर है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी बराबर होगी, जिसकी वजह से हम यहाँ लिख देंगे कि SR बराबर PQ है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है PQRS इज ए पैरेललोग्राम, अब यहाँ पे क्या प्रूफ किया है कि SR इसके बराबर है, और यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, और SR पैरेलल टू PQ, यानी कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर PQRS के अंदर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल टू इच अदर, देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम, यानी कि PQ और SR जो है एक दूसरे के पैरेलल भी है और बराबर भी है, देन वी कैन से दैट PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो इसकी कंडीशन लिख देंगे यहाँ पर बस,
थर्ड के लिए इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, यानी कि पी क्यू आर एस साइड्स पी क्यू एंड पी क्यू एंड एस आर इक्वल और पैरेलल टू ईच अदर, सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। यानी कि थर्ड पॉइंट के अंदर हमने क्या देखा कि इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस साइड पी क्यू, यानी कि पी क्यू एंड एस आर, एस आर क्या है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। कहाँ से पता लगा हमें, यहाँ से पता लगा कि एस आर और पी क्यू इक्वल भी है और पैरेलल भी है टू ईच अदर, सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो हमने थर्ड पार्ट भी प्रूफ कर दिया। तो ये थे इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को पहले पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी सी डी इज ए रम्बस एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका हम। इसने बोला यहाँ पर कि ए बी सी डी इज ए रम्बस, ए बी सी डी पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। देखो यहाँ पे ए बी बोला है, तो यानी कि पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू जो है बी सी का, इसी तरह से जो है आर एस है वो सी डी और डी के, यानी कि पी जो है ये ए बी का मिड पॉइंट है, यानी कि ये मिड पॉइंट है यहाँ पे, यानी कि पी क्यू आर एस अगेन वापसी पी पर पी क्यू आर एस। अब कह रहे हैं शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक तो इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा और इसके ईच एंगल 90 डिग्री के प्रूफ करने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हम। इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि ए और सी को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइंट ए टू सी। और हमें गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए रम्बस। तो यानी कि गिवन है कि ए बी सी डी एक रम्बस है और पी क्यू आर एस को हमें क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये देखना है कि अगर पी क्यू आर एस को हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो पी क्यू आर एस को हमें पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम ट्राइंगल ए डी सी के अंदर जा रहे हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड डी सी, ए डी एंड डी सी, यानी कि एस और आर जो है मिड पॉइंट है ए डी और डी सी के, वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए सी जो है वो पैरेलल होगा एस आर के, यानी कि जो ये ए सी है इसके पैरेलल होगा और एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, यानी कि जो ये एस आर है इस ए सी के आधे के बराबर होगा। अब इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल ए डी सी हो चुका है, अब ए बी सी में आ जाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, अब पी एंड क्यू मिड पॉइंट है ए बी और बी सी के, तो यहाँ लिखेंगे पी एंड क्यू मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी।
तो यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू पैरल ए सी और पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, यानी कि इक्वेशन वन एंड टू से हमें क्या पता लगेगा कि ए सी और ए सी तो बराबर है, तो एस आर और पी क्यू पैरेलल हो जाएंगे, एस आर पैरेलल पी क्यू एंड और ए सी हाफ, और ये भी ए सी हाफ है, तो दोनों तरफ राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो गई है और पैरेलल भी हो गई है, यानी कि एस आर बराबर पी क्यू, जो ये एस आर है और पी क्यू है, ये बराबर भी हो गया और पैरेलल भी प्रूफ हो गया है। सो वी कैन से दैट, सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। अब पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे इस वाली साइड के अंदर, ए बी और बी सी, यानी कि हमारे को यहाँ पे दिया गया है कि ए बी सी डी इज ए रम्बस, तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी, यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर होगी जो बी सी है, यानी कि ए बी और बी सी है बराबर, क्यों, इक्वल साइड्स ऑफ रम्बस, यानी कि रम्बस की इक्वल साइड हो गई। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पी एंड क्यू मिड पॉइंट्स है, तो मिड पॉइंट्स होने की वजह से यानी कि ये लाइन आधी हो जाएगी और ये भी आधी हो जाएगी, तो इसका ये वाला आधा हिस्सा इस वाले आधे हिस्से के बराबर होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे लिख देंगे कि पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स है, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पी बी बराबर है बी क्यू के, यानी कि पी बी बराबर बी क्यू, यानी कि जो पी बी है ये बी क्यू के बराबर होगा। अब ये जब बराबर होगा तो इसके सामने वाला एंगल, जो ये वाला एंगल होगा इसको नाम दे दिया एंगल वन, और इसके सामने वाला एंगल होगा जो ये वाला, इसको नाम दे दिया एंगल टू, ये दोनों बराबर होंगे, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, क्यों, रीजन होगा कि इक्वल साइड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यानी कि हमने यहाँ पे वन इज इक्वल टू टू प्रूफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को ले लेंगे, इन ट्राइंगल ए एस पी एंड ट्राइंगल आर सी क्यू, यानी कि ए एस पी और आर सी क्यू, इसके अंदर क्या होगा, देखो ये मिड पॉइंट्स हैं सारे के सारे, तो यानी कि ये वाला हिस्सा बराबर होगा इसके और ये वाला हिस्सा बराबर होगा इसके, तो यानी कि ए एस बराबर आर सी, ए एस बराबर आर सी और ए पी बराबर सी क्यू, ठीक है, दो चीज़ें हमें मिल गई। अब तीसरी चीज़ कैसे निकालेंगे, अब हमने यहाँ पे प्रूफ करा था कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, तो यानी कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स क्या होती है, बराबर होती है, तो पी एस इज इक्वल टू आर क्यू, पी एस बराबर आर क्यू, तो बाय साइड 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 क्राइटेरियन ट्राइंगल ए एस पी कॉन्ग्रुएंस हो गया आर सी क्यू के। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, तो थ्री इज इक्वल टू फोर कर दिया मैंने, एंगल थ्री इज इक्वल टू फोर, ये बाय सी पी सी टी से कर दिया। अब ये एंगल इसके बराबर हो गया है और ये एंगल इसके बराबर हो गया है। अब हम यहाँ पे देखें कि ए पी बी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर दो लाइन स्टैंड है पी एस एंड पी क्यू, तो यहाँ पे तीन एंगल बनेंगे, एक ये वाला एंगल बनेगा और एक ये वाला एंगल बनेगा और एक ये वाला एंगल बनेगा, तो तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर लगा देंगे हम यहाँ पर, तो एंगल थ्री प्लस एस पी
क्यू प्लस वन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हमने बोल दिया लीनियर पेयर की वजह से 180 डिग्री हम रख रहे हैं यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा कि 2 और ये वाला एंगल पी क्यू आर और 4, ये तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। एंगल 2 प्लस पी क्यू आर प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम रीजन लीनियर पेयर। अब यानी कि यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है, तो हमने बताया कि राइट हैंड साइड जो है दोनों बराबर है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी बराबर होगी। तो यानी कि हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 मान रखा है, तो इसको हम बोल देते हैं कि 3 है और ये 4 है, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4, तो ये वाला हिस्सा पूरे इस हिस्से के बराबर हो जाएगा। तो एंगल 3 प्लस एस पी क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस पी क्यू आर प्लस एंगल 4। अब यहाँ पे ये हिस्सा पूरे इसके बराबर हो चुका है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि 3 इज इक्वल टू किसके है 4 के, तो इसको चेंज कर देंगे, 3 को बना देंगे हम 4 एस पी क्यू, 4 क्यों बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हमने देखा है कि 1 इज इक्वल टू 2 है, तो इस 1 को क्या बना देंगे 2 बना देंगे, ताकि ये जब 2 बने तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या केवल एस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया है। अब हमने प्रूफ कर रखा है कि पी क्यू आर एक्स एक पैरेललोग्राम है, तो दिस लाइन और दिस लाइन यानी कि आर क्यू साइड और पी क्यू पैरेलल हो गए एक दूसरे के, तो ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बनाएंगे। अब यहाँ पे हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि इसके एंगल 90 डिग्री हैं, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो पी एस पैरेलल आर क्यू इन विच पी क्यू ट्रांसवर्सल है, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा सम 180 डिग्री होगा। एस पी क्यू प्लस पी क्यू आर, पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि एस पी क्यू और पी क्यू आर का सम कितना है 180 डिग्री है, तो यहाँ पर एस पी क्यू जो है बराबर है पी क्यू आर के, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा पी क्यू आर आ जाएगा, पी क्यू आर और ये भी पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये 2 पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि पी क्यू आर एंगल जो है कितना है 90 डिग्री आ गया है। तो जब पी क्यू आर 90 डिग्री आ चुका है, तो एस पी क्यू भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, एस पी क्यू इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ भी 90 बनेगा। तो इससे हम इस पूरे कॉन्क्लूजन से हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, तो यहाँ लिख देंगे हैंस पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो हमारे का क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि पूरा का पूरा किस तरह से हम पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। तो पहले डायग्राम बनाते हैं कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए
बी सी डी, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल दिया गया है और पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ रिस्पेक्टिवली साइड्स, यानी कि ये मिड पॉइंट्स हैं यहाँ पर ये पी क्यू आर एस, ये मिड पॉइंट्स हैं। ओके, शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, यानी कि पी क्यू आर एस इज ए रम्बस। तो हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस एक रम्बस है, और जबकि यहाँ पे दिया गया है कि पी क्यू आर एस एक मिड पॉइंट्स है रिस्पेक्टिवली साइड्स के। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे डायगनल्स, हमने डायगनल बना लिया एसी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी सी के अंदर, इन ट्राइंगल ए डी सी एस एंड आर मिड पॉइंट्स है, तो यानी कि एस मिड पॉइंट्स है ए डी का और आर मिड पॉइंट है डी सी का। एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए डी एंड डी सी, तो यानी कि ये इसके पैरेलल भी होगा और ये जो साइड है एस आर हाफ होगा ए सी का। तो एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर पैरेलल ऑफ ए सी। तो हमने यहाँ पे देखा कि एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए डी एंड बी सी, यानी कि एस और आर मिड पॉइंट्स है ए डी और बी सी के, एस एंड आर ए डी और डी सी के मिड पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे लिखा है कि मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि जो ये वाली साइड्स होती है वो ए सी के हाफ होएगी और एक दूसरे के पैरेलल होएगी। तो हमने यहाँ पे एक इसको एक इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी, यानी कि पी एंड क्यू मिड पॉइंट्स है, जो यहाँ पे पॉइंट पी एंड क्यू दिया गया है वो मिड पॉइंट्स है ए बी और बी सी के, यानी कि ए बी और बी सी के ये मिड पॉइंट्स है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमारे को कि पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू पैरेलल टू ए सी, ये इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे देखो कि ए सी का भी हाफ है, ए सी का भी हाफ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू से ये इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि एस आर बराबर है पी क्यू के एंड ये पैरेलल है दोनों की दोनों, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो एस आर पैरेलल पी क्यू हो जाएगा, एस आर पैरेलल पी क्यू। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो है, यानी कि एस आर और पी क्यू के अंदर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो गई है और इक्वल भी हो गई है, तो जिसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। सो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुका है, अब हमें क्या करना है कि इसको रम्बस प्रूफ करना था। तो हमें पता है कि रम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, तो हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है। अब इसके साइड्स को इक्वल प्रूफ करेंगे, तो हम यहाँ पे ट्राइंगल ले रहे हैं ये वाला और ये वाला, इन ट्राइंगल ए एस पी एंड ट्राइंगल पी बी क्यू, ए एस पी पी बी क्यू, तो ये साइड बराबर होगी इसके क्योंकि पी मिड पॉइंट है, ए पी बराबर पी बी, पी इज मिड पॉइंट,
क्योंकि मिड पॉइंट क्या करता है, किसी भी सेट को दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करता है, तो इसलिए हमने कह दिया कि ए पी बराबर पी बी। और ये वाली साइड बराबर होगी इसके, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। तो यानी कि ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये भी साइड आधी हो जाएगी तो ए एस बचेगा, और ये साइड भी आधी हो जाएगी तो बी क्यू बचेगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर ए एस बराबर बी क्यू, क्यों एस एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। ओके, और थर्ड चीज जो है ये रेक्टेंगल है, तो इसके कॉर्नर पर क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू बी, ईच 90 डिग्री का एंगल है, तो बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ट्राइंगल ए एस पी कॉन्ग्रुएंस हो चुका है ट्राइंगल पी बी क्यू के, यानी कि ए एस पी एंड पी बी क्यू कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो ये साइड बराबर हो जाएगी इस वाली साइड के। तो कह सकते हैं हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एस पी बराबर है पी क्यू के, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे, तो यानी कि पी एस बराबर पी क्यू हो जाएगा। अब सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पर कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं, तो ये साइड बराबर हो जाएगी इसके, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं, अब हम सिमिलरली लिखेंगे यहाँ पर सिमिलरली, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे एक को प्रूफ करके दिखाते हैं और बाकी आगे के लिए हम सिमिलरली लगा लेते हैं। तो ये बराबर ये हो गया, अब ये और ये ट्रायंगल कॉन्वर्स हो जाएगा, तो पी क्यू बराबर आर क्यू हो जाएगा, पी क्यू बराबर आर, पी क्यू बराबर आर क्यू हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्वर्स हो जाएगा, तो ये बराबर ये हो जाएगा, आर क्यू बराबर आर एस, और ये ट्रायंगल कॉन्वर्स होगा जब, तो आर एस बराबर पी एस हो जाएगा, आर एस बराबर पी एस। तो इन चारों साइड से हमें ये पता लगता है कि ये चारों की चारों साइड जो है एक दूसरे के बराबर है, यानी कि ये सारी साइडें बराबर है आपस के अंदर, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सो पी क्यू आर एस इज ए रंबस। क्वेश्चन में हमारा ये प्रूफ करना था कि पी क्यू आर एस इज ए रंबस, तो हमने यहाँ पे पूरा प्रूफ कर दिया है कि पी क्यू आर एस रंबस किस तरह से है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।